Killa. ये जितना सामान तुम लेके आयो ना, ये सब का सब ऑनलाइन डिलीवरी हो जाता है घर पे। ऑनलाइन सामान की बातें करो, तुम जानते हो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो कैसा सामान आता है। ये सब कुछ देखो यार एक बार, कितना फ्रेश देख के परख कर लिया हमने। यार लाजमी बात है, ज़ारा आ रही है, हम जानते अबू से मिलने आ रही है, लेकिन ज़ारा तो आ रही है यार, और पूरे दिन इस घर में रहेगी तो लाजमी बात है इमरान मियाँ जो सारा फ्रूट होगा उसके पसंद का, उसके सारे पसंद के चॉकलेट खाएं और उसके फेवरेट फ्रूट्स और उसके पसंद का भुट्टा जो इस बैग में होगा सब कुछ बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। इमरान उसे नीचे रखो, इमरान मस्ती मत करो, बस एक ट्राई कर देंगे उसके बाद तुम मत करो, ज़ारा के खास चॉकलेट ला दो हमें। इमरान ये पैकेट खुलेगा कैसे? इमरान ये खुलता कैसे? इमरान मस्ती मत करो, खोलो मत उसे, ये सील हो रखा है कि ये खुल क्यों नहीं रहा अभी, बस एक बार एक ज़ारा की पसंद, इमरान का है ज़ारा। अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे, हम चिढ़ा रहे थे तुम्हें, हमें पता है ज़ारा की पसंद की चॉकलेट है। वैसे ना तुम दोनों की मोहब्बत ना बड़ी अजीब है यार, मतलब कल चरिया बोर्ड में ऐसा चिल्ला रहे थे दोनों एक दूसरे पे, हमें लगा दो चार दिन तक शक्ल नहीं देखोगे एक दूसरे की, और आज देखो वेलकम की तैयारी चल रही है। हम लड़ेंगे भिड़ेंगे, गुस्सा होंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इमरान मियां ये खाओ, मन बहला लो इससे, क्योंकि हकीकत यह है कि हमें और ज़ारा को एक दूसरे की आदत हो गई है। हम जानते हैं। क्या ये जानते हो कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ना वो ना हम, जानते हो। तो इसलिए तो ऐसे हालात अल्लाह ताला ने पैदा किए कि ज़ारा हमारे घर में, हमारे पास, हम सब के बीच में रहने वाली है, और इस दरमियान इस वक्त में हम क्या करने वाले हैं जानते हो? हमारी मोहब्बत उसका दिल जीतने वाली है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम ऐसे इंसान का इलाज करने जा रही हो जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम्हारे खिलाफ कितनी साजिशें की, नहीं जाओ। अम्मा उन्होंने हमें मारने की कोशिश की लेकिन मार तो नहीं पाए ना, क्योंकि बचाने वाला अल्लाह ताला है, और अब्बा उसी अल्लाह ने तो हुक्म दिया है ना कि कोई आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, अगर आप उसकी भलाई कर सकते हो जरूर करो, हम बस अपना फर्ज निभाने वहां जा रहे हैं। बेटा ज़ारा, जिस भलाई के काम के लिए तुम जा रही हो उस काम पर हमें फख्र है, मगर जीनत और रुखसार का डर भी है, उनके कारनामों का डर है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ चलें। हम भी चलेंगे, अकेले नहीं जाने देंगे बेटा। आप लोगों का डर एकदम जायज है, लेकिन आप लोग ये भी तो समझिए कि वहां कभी रोका उसके होते हुए में कुछ नहीं होगा। मगर बेटा कबीर को आपकी इलाज वाली मौसीकी पे यकीन नहीं है, इसी मौसीकी के लिए उसने निकाहनामा फाड़ दिया, आपको शरिया बोर्ड तक खींच कर ले गया, आगे ना जाने क्या क्या करे। पर यार तुमने अपने घर में ये मौसीकी की इजाजत कैसे दे दिया? असल में इमरान मेरे दोस्त, एक होता है शैतान पे यकीन करना और एक होता है शैतान को भगाने के लिए उसकी चीजों को अपने पास आने देना, समझे? मतलब तुम्हें यकीन नहीं है कि ज़ारा के इलाज से शाहबाज अंकल ठीक होंगे? तुमने उस कहानी से दूर करने के लिए ज़ारा को यहाँ बुलाया? जाहिर सी बात है, मतलब ज़ारा की मोहब्बत में ही सही, तुम अपने अमल से थोड़ा सा तो हटे हो। आ, आ, आ। कई बार दूर के फायदे के लिए ना नजदीक के नुकसान को सहना पड़ता है मेरे दोस्त, और जो कुछ हम कर रहे सोच समझ कर रहे, परख कर कर रहे। मतलब ये कि जब पिछली बार खाला जान की बीमारी की बात हम ज़ारा तक लेकर गए थे तो उसे इसी शिफाए मौसीकी के नाम पर घर लेकर आए, है ना? तो बस यही समझो कि हमने अपना रुख बदल दिया, ले लो कि हम ज़ारा से लड़ने लगे और कहे कि मौसीकी की साजों के साथ तुम काजी साहब के घर नहीं आ सकते, क्या होता? नहीं आती वो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तब भी इमरान
शिफाए मौसीकी की बातों पर हमें कोई यकीन नहीं था और अब भी हमें नहीं है, पर हमें एक बात पे जरूर यकीन था कि इमरान चाहे कुछ भी हो सारा ऐसे कि अपनों के बीच आएगी ना, कभी वापस नहीं जाएगी चाहे कुछ भी हो। आने वाले दिनों में भी इमरान हमारे पास सिर्फ दो रास्ते, एक लड़ झगड़ के हम जारा से दूर रहे जो वो उस्तानी चाहती है, या पकड़ो, या जारा से कुछ घंटों के लिए ही सही अपने पास बुलाकर इस्लाम के सही रास्ते की तरफ फिर से मुड़े। और पीर साहब के दिए हुए एक महीने के अंदर उसे मतलब जारा को हमारी मोहब्बत से जीत ले और उस्तानी से हमेशा के लिए दूर कर दे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो हाँ, तुम हमसे पूछ रहे थे कि मौसीकी का इलाज क्या है, उधर देखो। ये क्या है? कुछ कहो कबीर, कुछ कहा? ये हमारे मौसीकी का इलाज इमरान मियां। अल्हम्दुलिल्लाह, भले मेरे यार ने अपनी जारा की मौसीकी पर अपने कान बंद कर रखे हो पर अपनी जारा के लिए अपने दिल के रास्ते खोल दिए। कबीर और हमें एक दूसरे की आदत सी हो गई थी, हम लड़े झगड़े चिल्लाए बात ना करे एक दूसरे से, लेकिन इस मोहब्बत में कभी भी कमी नहीं आएगी। चूंकि शाहबाज साहब न बोल सकते हैं न लिख सकते हैं, उनकी शिफा की शुरुआत तुम इस सांस से करना। हमें इसकी जरूरत नहीं। से एक बात करनी थी, जारा आ रही। जारा सिद्दीकी अपने कातिल को बख्शेगी नहीं। अबू, अबू नहीं नहीं, अबू इधर देखिए, अबू वो आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आ रही, कहती आपको बेहतर करने के लिए आ रही है, कहती है कि अल्लाह ताला ने उसे एक सेकंड एक नया रास्ता दिखाया और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं। जारा वापस आ रही है और उसे तुम्हारे होने वाले बच्चे की खबर सिर्फ हम देंगे, समझ गई ना? और जब तुम्हारे मन में शैतानी ख्याल आएगा तो तुम उसे दूर भगाओगी, क्योंकि हम कतई नहीं सहन करेंगे रुखसार कबीर। हम ये वादा कर चुके हैं कि ये बात हमारे मुंह से नहीं निकलेगी,
सो जारा हो या दुनिया वाले, ये खुशखबरी तुम सबको दोगे। बेहतर है। हमें तो बस जारा का ऐसा इस्तकबाल करना है कि वो देखती रह जाए। मौला, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें? रुखसार को तो हम बता के आए कि वो जारा को कुछ नहीं बताएगी। हम जारा को सब कुछ बताएंगे, लेकिन कैसे? हम उसे सच नहीं बता सकते, उसे झूठ भी नहीं बोल सकते। हम इसलिए हम आपसे दुआ कर रहे हैं, सही वक्त पर सही अकल बख्श देना हमें हमारे मौला आका, प्लीज। बेटा जारा, किसी भी तरह की परेशानी का एहसास भरो, हमें तुरंत फोन करना, हम 2 मिनट में हाजिर हो जाएंगे। हम आपको फारिग होकर फोन करेंगे अब्बा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भी कमाल करती हो रुखसार, पकड़ी का जाला, ऐसे उटपटांग आइडियाज, ये नायाब तरीके तुम्हारे दिमाग में आते कैसे हैं? बच्चों, ये भी कोई खास बात है? बच्चों, अब आप कहीं जाओगे, 2 साल बाद वहाँ जाले ही मिलेंगे ना। आप बस देखती जाइए बच्चों, हम कैसे इस जाले के जाल में सारा की जिंदगी खोल जाते हैं। वो खुद तड़प कर परेशान होकर यहाँ से चली जाएगी। इश्क जानिया वालेकुम अस्सलाम। सांसों के किसी एक मोड़
अरे वाह भाई, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसी नजदीक रखे और तुम दोनों ऐसी उलझने सुलझाते हुए आगे बढ़ो। इमरान, जारा का जो बाकी का सामान है वो गाड़ी में लिख रहा हूँ एक बार। अच्छा, हम जाएं फिर यहाँ से? नहीं, हम बस इतना ही सामान लेकर आए हैं। ओ तो हम यहाँ क्या कर रहे? अब उसे मिलते हैं। ज़ारा आपके सामने खड़ी है, एक बार नजर मिलाएं। अस्सलामु अलैकुम। हम हमारे किए पर शर्मिंदा हैं सारा, हमें माफ कर दो। असिबिल बास्टर बिनस वश्वी अंत शाह फीला शिफा अल्लाह शिफा उक शिफा अल्लाह युगतिरु सुका। कबीर आओ बाहर। रब्बुल आलमीन, आप ही कितने इम्तिहान लेते हो, आपके मामलात आप ही जानो। 2 साल हमने शिद्दत से यही दुआ की कि एक बार हमारा कातिल हमारे सामने आ जाए, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और आज जब अब्बू हमारे सामने बैठे हैं, हमारे आंसू नहीं रुक रहे। सारा इधर आओ, आओ। क्या कर रही हो तुम? अब वो तुम्हारे गुनहगार है, पूरी इंसानियत को शर्मसार किया हमारे अब्बू ने। हम उनके बेटे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे जारा, उनकी खिदमत कर उनकी खिदमत करना, उनके लिए दुआ करना हमारा फर्ज है। लेकिन तुम्हारा इस घर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो अबू को माफ करना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। कबीर, अल्लाह ने कहा है कि सबसे बड़ा सदका वो होता है जब आप उस इंसान का भला कर रहे हो जो आपको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हो। हमने अब्बू को दिल से माफ किया, और हो सकता है कि अल्लाह को हमारी ये अदा पसंद आ गई हो। बस अल्लाह से यही दुआ है कि वो फिर से हमें इस घर की बहू बना दे। और हमारा कबीर हमें वापस कर दे।